दिल्ली एनसीआर में लोगों को अभी और कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ेगी। अगले दो दिन दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। भारतीय मौसम विभाग ने ठंड को लेकर चेतावनी जारी की है और अगले दो दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। आज न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक रह सकता है। 18 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 20 डिग्री से नीचे रहने का अनुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान इस दौरान 5 डिग्री तक रह सकता है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाए रहने के भी आसार हैं। घने कोहरे के चलते यातायात के तमाम साधनों के संचालन में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मौसम के बदलते रुख से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इन इलाकों में 14 जनवरी तक मौसम साफ होने के आसार है। मौसम विभाग की माने तो हरियाणा और राजस्थान भी शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी 2021 तक कोहरा पड़ने के आसार है। वहीं कर्नाटक में बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। बेमौसम बारिश के चलते कॉफी की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश के बादल छटते नजर आ रहे हैं और यहां शीत लहर लौटने के अनुमान जताए गए हैं। यहां कुछ अगले दिनों में न्यूनतम पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के अनुमान है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली।